हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि वॉशिंग मशीन की पाइप है उसे टैप से कैसे कनेक्ट करें। अगर आपकी वॉशिंग मशीन है और टैप के पास में है तो आप इसकी पाइप है वो डायरेक्ट टैप से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी वॉशिंग मशीन और टैप है वो अलग अलग जगह पे है और उसकी पाइप है वो कम पड़ रही है, उसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो मैं आपको इसके लिए दूसरे पाइप से कनेक्ट करके बताऊंगी। तो इसके लिए आपको डिस्टेंस के अनुसार पाइप लेना है और इसे टैप से कनेक्ट कर देना है और दूसरी साइड को वॉशिंग मशीन की पाइप से कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है और आपको टैप को ओपन कर देना है और पाइप से पानी है वो वॉशिंग मशीन में आ जाएगी। आप देखिए इसमें पानी है वो आ रही है। इस तरीके से आप अपने वॉशिंग मशीन की पाइप को टैप से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वॉशिंग मशीन यूज करना नहीं आता है तो इस टॉपिक पर मेरी वीडियो है, उस वीडियो को देखकर आप आसानी से वॉशिंग मशीन यूज करना सीख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।